भारत में नफरत की सियासत दम तोड़ने लगी। लोकसभा के इंतखाबात में 400 पारा नारा लगाने वाले मोदी जी की हुकूमत बनाने की हसरत दम तोड़ने लगी। इंतखाबात के नतीज के मुताबिक मोदी की बीजेपी को बड़े अपसेट का सामना। हुक्मरान जमात को 239 नशिस्तों पर बढ़तरी, जबकि कांग्रेसी इत्तेहाद इंडिया 234 नशिस्तों पर आगे है। नतीज देखकर गोदी मीडिया भी सटपटाने लगे। मोदी की दो तिहाई की ख्वाहिश हसरत बनकर रह गई। बोल बच्चन भी काम न आए। तवक्का से कम नतीज आने पर मोदी का चेहरा लटक गया। भारत की 543 रुकनी पार्लियामेंट लोकसभा के इंतखाबात में नतीज का सिलसिला जारी। भारतीय जनता पार्टी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश से शिकस्त का सामना करना पड़ गया। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में ही करारी हार मिल गई। बीजेपी की स्मृति ईरानी भी कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल से 1,67,000 वोटों से हार गईं। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की जेर क़यादत इत्तेहाद का पल्ला भारी है। मोदी जी ने इंतखाबात से कबल 400 पार का नारा लगाकर दो तिहाई अक्सरियत का दावा किया था। आवाम ने मोदी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इंतखाबी नतीज पर सरमायाकार भी परेशान, स्टॉक मार्केट गिर गई। गोदी मीडिया की तो चीखें ही निकल गईं। मोदी नवाज एंकर्स नतीज देखकर हवास बाख्ता। भारतीय लोकसभा के इंतखाबात में मोदी के खिलाड़ियों का अपने ही घरों की नशिस्तें हारने का सिलसिला भी जारी। कांग्रेस ने हालिया भारतीय इंतखाबात में हुक्मरान जमात को बड़ा अपसेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।